तो हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और अभी बज रहे हैं दिन के 4 और मुझे जाना था अभी काम से, कुछ फेज 3 में कुछ सामान लेना था, तो चलिए चलते हैं। तो भाई हम आए हैं बालाजी वैरायटी समोसे पे। तो आपने कितने तरह के समोसे खाए होंगे यहाँ पर? मैक्सिमम एक या दो तरह के। और यहाँ पर देखो कितने मिलते हैं, आलू समोसा, तंदूरी पनीर समोसा, प्याज समोसा, मलाई पनीर समोसा, मटर मशरूम समोसा, मलाई चाप समोसा। भाई साहब देख रहे हो वैरायटी नेक्स्ट लेवल की है। तो किसी दिन जब फ्री होंगे ना तो एक अलग से व्लॉग बनाऊंगा इसका मैं, मतलब दोस्तों के साथ आऊंगा और सारे समोसे टेस्ट करने हैं। मतलब मैंने 5 से 6 समोसे टेस्ट किए हैं बट मैंने कभी सारे नहीं किए, तो एक दिन सारे समोसा के टेस्ट करने हैं। तो चलिए घर चलते हैं, अभी शाम को एक पार्टी में भी जाना है, शादी में, तो मैं तो नहीं खाऊँगा, घर वालों के लिए ले जा रहा हूँ वो सभी। तो भाई शाम के बज गए हैं 7 और मैं आया था अभी इंद्रपुरम, मतलब विक्की भाई को लेने, और अब जा रहे हैं हम वापस न्यू कोंडली, फिर वहाँ से जाएंगे डेस्टिनेशन पे अपनी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे आगे। और भाई शादी में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जाएंगे, शादी में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, बताएं। अच्छा, और ये है शिव मंदिर यहाँ पर। अच्छा, चालू है। भाई साहब ये कौन है ये? मैं कह रहा कौन आ गया भाई अफसर? अरे भाई शक्ल देखो, मास्क हटाओ, ये राज अब खुला ना भाई। तो भाई सारे बंदे तैयार हो गए हैं, तो चलिए फिर चले भाई। अरे चलो चल रहे हैं। धक्का मार दूं क्या? मैं थोड़ा आगे तक छोड़ दूंगा आपको। तो भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं, ये रहे हैं आगे, शायद ये मैरिज हॉल ये आगे है। तो हम गाड़ी कहाँ खड़ी करें? हाँ यही है, यही है संदीप की एरी यहाँ पर, बाइक स्कूटी, तो यहीं पर ही पार्क कर देते हैं। यहीं पर कर दो अंदर, ओ इसे यहीं पर ही पार्क कर देते हैं। ओ हो चलिए। तो भाई फाइनली पहुंच गए हम, और ये देखिए भाई साहब, मतलब क्या लग रहा है ना एकदम, मतलब लाइटिंग जो है ना वो बहुत बढ़िया कर रखी है अंदर एंट्री की। अंदर दिखाता हूँ आपको कैसा है, चलिए। अभी बज रहे हैं करीबन, बजने वाले हैं 9, तो मतलब इतना टाइम लग गया आने में क्योंकि रास्ते में ना इतना जाम था, इतना ट्रैफिक था और ऐसे ही अटक अटक के आ रहे थे रास्ते पर, तो भाई बहुत टाइम लग गया है।
इनको एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ देखो मतलब इतनी भूखमरी मची है, मतलब जहाँ अंकल जा रहे हैं वहाँ पीछे पड़ रहे हैं ये, खासकर ये बंदा जहाँ अंकल जा रहे हैं वहाँ उनके पीछे भाग रहा है ये, ये शक्ल देखो ये जहाँ मतलब अंकल आ नहीं रहे पहले ही जा रहा है अंकल के पास। भाई रात के 10 बज चुके हैं और गाने खत्म हो गए। संदीप डीजे बंद कर दिया, बंद कर दिया, ये बहुत गलत बात है। 10 बजे के बाद लेकिन अलाउड नहीं, सॉरी डीजे बंद हो चुका है, 10 बजे के बाद अलाउड नहीं होता। लेकिन तो यहाँ पर हो रहा है द्वाराचार्य, ये देखिए मतलब भाई अब बज गए हैं 10:30 और खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, क्योंकि पानी इतना पिया है ना तब से, ये देखो इसने नहीं भी तो कितने गिलास पानी पी लिए होंगे, और मैंने भी तब से 5-6 गिलास पानी, बस पानी पानी चल रहा है। तो अभी इतनी प्यास लग रही है यहाँ पर, तो खाना खाएंगे बाद में, वेट करते हैं खाने का। अभी भाई इन लोगों को देख रहे हो शुरू हो गया है, देख रहे हो इन लोगों ने शुरू भी कर दिया सालों ने,
तो भाई दुल्हन आ चुकी है पीछे और मतलब भीड़ इतनी ज़्यादा है कि फोटो शूट करने को मतलब वीडियो बनाने को बिल्कुल नहीं हो रहा। तो अभी जब भीड़ खत्म हो जाएगी वहाँ से तब जाएंगे मिलने के लिए। तो भाई रात के 12 बजने वाले हैं और मतलब फोटोशूट अभी तक चल रहा है, तो देखता है जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद थोड़ी देर बाद निकलता है घर, क्योंकि घर से भी अब कॉल आ रहा है और लेट भी हो गए हैं और यहाँ से करीबन 30 किलोमीटर है डिस्टेंस जो है हमारा, तो देखते हैं कब तक चलते हैं। चलिए तो भाई दूल्हे राजा से बात करते हैं अभी हमारे बैठे हुए। तो मिश्रा भाई कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। मतलब कैसी फीलिंग आती है अंदर से? अंदर से कैसी फीलिंग आती है? सो एक्साइटेड। सो एक्साइटेड। भाई अब सब कुछ तो हो गया है, अब चल रही है यहाँ पर बॉयज डिस्कशन, मतलब लड़कों की अब बातचीत चल रही है यहाँ पर। सबने घेर लिया दूल्हे को, अब यहाँ पर चल रही है अपनी पर्सनल बातें। तो अभी बज रहे हैं रात के 1 और अभी शुरू होने वाली है बेदी, मतलब हमारे यहाँ तो बेदी बोलते हैं, मुझे नहीं पता अभी। तो अभी यहाँ से दुल्हन है, अभी दुल्हन ही आए यहाँ पर, तो अभी आएंगे तो थोड़ी देर में बेदी शुरू होगी। तो भाई रात के 1 बजे यहाँ नाइट आउट चल रहा है आइसक्रीम के साथ, मतलब अंदर इतनी आइसक्रीम खा ली पेट नहीं भरा, तो अब चलेगी मदर डेयरी इधर चौको बार। तो भाई रात के बज गए हैं अभी 1:30 और अभी हो रहा है उधर गोरोथन, और इसमें क्या होता है कि मतलब जो लड़के ने जो गहने दिए होते हैं या वो जितने भी आभूषण या जो भी सामान दिया होता है वो सब अभी वहाँ पर वो चढ़ा रहे हैं लड़की को। तो अभी टाइम लग रहा है थोड़ा, अभी दूल्हे तो हमारे सामने ही है, दूल्हे तो इधर ही हैं, पर अभी वहाँ पर पूजा चल रही है तो वेट करते हैं कब जाएंगे यहाँ से। तो भाई अब बज रहे हैं रात के 2:30 और अब फाइनली अब दूल्हे मतलब मंडप पे बैठ गए हैं, तो चलिए आपको दिखाते हैं अब।